गुड मॉर्निंग मेरे भाई तो आज है डेट 264 मेरी ब्रह्मचार्य लाइफ स्टाइल का भी आपका कौन सा कमेंट में मुझे बताओ और देखो मेरे भाई मोटिवेटेड रहो बिल्कुल निराश मत हो भाई नाइट फॉल इतने या फिर कुछ भी हो रहा है जस्ट अपनी स्ट्रीक पे कंटिन्यू फोकस रखो तुम्हारे डेज बढ़ेंगे ना तुम्हारी ये जितनी भी सारी छोटी मोटी दिक्कतें ना भाई सब चली जाएंगी फिजिकल रिलेटेड तो तुम्हें प्रॉब्लम हो नहीं सकती मतलब तुम जो ये जरा जरा सी बात पे बीमार पड़ने लगते हो ना मेरे भाई नहीं पढ़ोगे इनफैक्ट तुम्हारे मतलब एक पर्सनैलिटी इनहेंस हो जाती है तुम समझ लो तुम एक ग्रेट ह्यूमन बीम बदल जाते हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किपर ह्यूमन बन जाते या फिर सुपर पावर्स मिल जाती है नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन तुम मेरे भाई एक अलग ही अट्रैक्शन तुम्हारे पास होता है एक अलगी एक अलग 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 ही 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 तुम्हारे बातों में दम होता है है तुम दिखते हो मतलब ये चीज होती है। और मेन चीज पता है ये होती है है क्योंकि फेस का जो ग्लो होता है ना भाई वो काफी बढ़ता है और ये तुम्हें अलग करता है लोगों से क्योंकि सबसे पहले अपीरेंस किसी इंसान का क्या होता है उसका फेस होता है उसकी स्किन कलर होती है और तुम तुम्हारी स्किन को बहुत ही अच्छा बना लेते हो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस से और यही चीज थी जिसलिए पुराने जो ऋषि मुनि थे हमेशा इस चीज पर रहते थे कि वीर को बचाओ वीर को बचाओ वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था इसकी इंपोर्टेंस और अगर तुम इसके एक बार इम्पोर्टें फील कर लेना तुम्हारी लेज लंबी स्ट्रीक बन गई तो भाई ये जो तुम्हारी आदत है ना मेस्टुलेन वाली पूरी कम्पलीटली चली जाएगी क्योंकि, क्योंकि देखो एक कैट है अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज ज्यादा पसंद आ गई ना तो भाई तुम्हारे छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं जाता सेम वही चीज है अगर तुम्हें मजा आ गया ब्रह्मचर्य में अगर तुम मेडिटेशन करने मजा आ गया ना एक नशा हो गया मेडिटेशन का एक नशा हो गया ब्रह्मचर्य का तो भाई ये जो छोटे मोटे नशे ना तुम्हारे मेस्टुबुलशन और भी और भी मतलब किसी भी तरीके का एडिक्शन सब छूट भाई मेन चीज ये तुम अपने आपको समझ लगते हो ना ब्रह्मचर्य सिर्फ तुम्हारे फिजिकल और मेंटल लेवल जब तुम्हारा अच्छा हो जाता है ना भाई ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड भी कहता है यार कहां मैं गलत चीजों पे जाता था चलो अच्छी चीजों पे आते हैं और ये ऐसे नहीं हो जाता भाई डेज लगते हैं टाइम लगता है एक्सपीरियंस लगता है धीरे धीरे बढ़ते जाओ और कोशिश करो कि भाई रुको नहीं टुको नहीं बस भागते रहो इस जर्नी में बस अपनी अर्जत से लड़ते रहो और ऐसे ही कामयाब होते रहो मेरे भाई अपने जर्नी में और वर्क करते रहो ऑलराइट अपना जो भी काम है वो करते रहो बस आज के लिए इतना ही था मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय लव यू टेक केयर और अपना ख्याल रखना ओके